Children, let's begin with chapter number 51, Artificial Intelligence Around Us. तो आपको आजकल पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं उसका कितना यूज हो रहा है. आप अपना मोबाइल खोलते हो, स्मार्टफोन को ओपन करने के लिए आप क्या करते हो, अपना फेस लॉक लगा देते हो. तो बस फेस को मोबाइल के सामने लेकर आते हैं और मोबाइल खुल जाता है. तो ये सब किसकी देन है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही देन है. Children, do you know that computer does not has any intelligence of its own? तो computer के पास अपनी कोई intelligence नहीं होती है. It works on our instructions. जो instructions हम उसको देते हैं उसी instructions पर वो work करता है. Let us learn about artificial intelligence. Artificial intelligence is the ability of the computer or a machine to think, learn and act like human brain. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर को या एक मशीन को इतनी एबिलिटी देता है कि वो थिंक कर सकती है, लर्न कर सकती है और ह्यूमन बींग्स की तरह ही एक्ट कर सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स, फॉर अ मशीन टू बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इट मस्ट बी एबल टू सॉल्व टास्क एंड टेक डिसीजंस. तो वैसे मशीन अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, लेकिन अगर हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो ये काम भी कर सकती है. Understand and express human language. किसी भी लैंग्वेज में अगर हम उसको बोलते हैं तो वो उसको easily interpret कर सकती है. Recognize images. AI around us. AI makes our life easier. Let us look at the artificial intelligence that we see around us. तो सबसे पहला voice assistant. आप अपने घर में Alexa use करते हो, Siri use करते हो, so वो सब क्या है? हम कैसे बोलते हैं, Alexa play this song, Alexa switch off the lights, बोलते हैं ना. तो उसके अंदर क्या है, इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वॉइस असिस्टेंस इज एन एआई टेक्नोलॉजी दैट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन कमांड. तो उसके अंदर क्या है कि वो ह्यूमन कमांड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है और जो कमांड हम उसको दे रहे हैं उसको वो कंप्लीट करती है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइस असिस्टेंस आर गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा एंड सीरी. फेस डिटेक्शन, जैसे हमने अभी बात करी थी कि मोबाइल को अगर हमने लॉक कर रखा है, उसको ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, अपने फेस को मोबाइल के सामने लाते हैं और मोबाइल खुल जाता है. तो मोबाइल क्या कर रहा है, हमारे फेस को डिटेक्ट करता है. फेस डिटेक्शन इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज इन फिल्टर्स ऑन आर फेस वाइल टेकिंग पिक्चर्स. जब आप स्नैपचैट खोलते हो, अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हो तो क्या होता है, उसमें आपकी बिल्कुल फेस जो है वो एकदम क्लीन आता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है आपका फेस. सो वो सब किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड फॉर अनलॉकिंग आवर फोन, फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट. नेविगेशन, नेविगेशन ऐप यूजेस एआई टू आइडेंटिफाई चेंजेस इन ट्रैफिक फ्लो एंड रिकमेंड द बेस्ट रूट. फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स. तो गूगल मैप्स तो आजकल बहुत कॉमन है, हमें कहीं पे भी जाना है हम झट से अपने फ़ोन में गूगल मैप खोल लेते हैं. तो गूगल मैप भी क्या काम कर रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहा है. हमें इजीली बता देता है कि कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है और हम कौन सा शॉर्टेस्ट रूट लेके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं. रोबोट्स, रोबोट्स आर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन्स दैट वर्क इन प्लेस ऑफ ह्यूमन्स. तो ह्यूमन्स की लेबर को कम करने के लिए हम रोबोट्स का भी यूज करते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे लुक लाइक ह्यूमन्स बाय अपीयरेंस और दे परफॉर्म एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन्स. सम रोबोट्स यूजेस एआई टू. तो रोबोट्स ज़रूरी नहीं कि वो ह्यूमन्स की तरह ही दिखे, उन्हीं की तरह काम करें, वो उनसे भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं. और कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जो एआई टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं. ये क्या क्या काम कर सकते हैं, ये फूड को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सर्जरीज में डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, चीज़ों को पैक कर सकते हैं. They also help in household works like cooking and cleaning.